हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में सुपरस्टार सिंगर्स के नन्हे स्वर गूंजते हैं। इन्हीं स्वरों को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर निकल पड़े हमारे कैप्टन्स। उन्हें ये जिम्मेदारी मिली संगीत की दुनिया के तीन इक्कों से, यानी हमारे जजेस, लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक, सुरों के महाबली जादूगर जावेद अली और सुपरस्टार शोमैन सुपरहिट मशीन हॉट एंड हैंडसम एचआर। एक लंबे सफर और महीनों की तलाश के बाद आज वो दिन आ चुका है जब हमारे कैप्टन्स के चुने हुए कंटेस्टेंट्स के हुनर पर लगेगी जजेस की मुहर। लगते हैं सिंगिंग के कल का पहला पन्ना, सुपरस्टार सिंगर के ऑडिशंस। लाइट्स ऑन स्टैंड बाय, साउंड स्टैंड बाय, ऑल कैमरास ऑन स्टैंड बाय। सिंगिंग का कल, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सुपरस्टार सिंगर प्लीज आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। पाए, आप तो बहुत ही क्यूट हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित नाथ है। कहाँ से हैं आप? आसाम से। आसाम से हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। आपको बर्गर्स बहुत पसंद है? सर मैंने बर्गर्स कभी नहीं खाया, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ। वाओ हर्षी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। ये बर्गर वाली बात है तुम्हारे चेहरे पर। हर्षी झूठ नहीं बोल रहा है, अच्छे बोल रहे हो। जो मेरा अभी कंडीशन है उसको हम बर्गर और कुछ मांगने से भी हम देने नहीं सकता। मैं फुटपाथ में सब्जी बिकता हूँ, सुबह हम जल्दी निकल जाता हूँ दुकान में, दुकान लगा के बस हम दिन भर दुकान में रहता हूँ। एक घर का किराया है 1500 रुपया महीना, 2500 रुपया हमारा रोज इनकम होता है। भूलता भटकता किसी मंजिल का हूँ रास्ता, जिंदगी लदी है लेके सांसों का ये बस। कभी कभी तो ऐसा होता है कहीं से लाके मैनेज करना पड़ता है। जिंदगी बताए ना क्या जीने का सलीका है, बख्श दे सलामती यहाँ भी कोई जीता है। हर्षित बहुत खुश मिजाज है, हम लोग भी अगर कभी दुखी हो जाए तो वो हर रोज हम लोगों को भी हंसाता है। मेरे पास खुश रहने के लिए बहुत रीजंस है कि मेरे घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे स्कूल जाने का है और मेरा वेजिटेबल्स खाने का है। लाएंगे खरीद के ये दुनिया बातों बातों में। खुश रहने के लिए बड़ा घर, वीडियो गेम, साइकिल, वो सब नहीं चाहिए। जो नहीं है उसके लिए परेशान होने के क्या फायदा। उसको गिटार, हारमोनियम ये सब हम उसको देने नहीं सका अभी तो, इसीलिए वो क्या करता है मोबाइल में जो तानपुरा निकाल के वही सुन के प्रैक्टिस करता है घर में। सिंगिंग ही मेरा जीवन है और सिंगिंग के बिना मैं मतलब मैं रह नहीं सकता है। कितने बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन उन लोगों के घर पे शायद एक छोटा सा भी ट्रॉफी नहीं होता, लेकिन हमारे इस छोटे से घर में अगर आप इस दीवार को देखें तो बड़े घर से भी बहुत ज़्यादा इतना सारा ट्रॉफी है। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन एक ही बात है कि हम लोग हमेशा खुश रहते हैं और ये जो हंसी है वो हंसी हमसे कोई भी नहीं छीन सकता।
यू नो, ये बहुत बड़ी सीख आप मुझे और बहुत सारे लोगों को देकर जा रहे हैं कि कोई भी हालात में खुश रहना चाहिए। इस बच्चे के चेहरे पे सिर्फ स्माइल देख रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली। आपका हर्षित इतना नाम कमाएगा कि फिर आपको कभी सोच के नहीं देखना पड़ेगा। ये सब हम लोगों की तरफ से दुआ है और आई एम श्योर वो इतना अच्छा गाएगा। क्या गाने वाले हो बेटा? सर मेरा गाने का नाम है आने वाला पल। आने वाला पल, माइंड ब्लोइंग है। गाल जो है दोनों ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई इसका गाल नहीं खींचेगा बिना मुझसे पूछे। नहीं, नॉट अलाउड। बहुत इसने बढ़िया, इतना प्यारा गाया है, एक एक हरकतें लेकर और जो स्टाइल में गाया है, बॉडी लैंग्वेज इसकी। थोड़ा सा हंस के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। सुपरस्टार सिंगर की किस्मत है कि तुम जैसा टैलेंट सुपरस्टार सिंगर में ही आया। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला। आपके हुनर को मोहर मिलने वाली है। आ जाइए प्लीज। सुपरस्टार सिंगर में सुरूर है, सुकून है और मखमली आवाजों का नूर है। अलका जी के गानों ने 90 के दशक में कईयों को सिखाया था प्यार, छीना था करार और कुछ इश्क के मारे आज भी कर रहे हैं इजहार। अलका जी नमस्कार, मेरा प्रणाम लीजिएगा। बचपन से आपके जब कभी कभी मेरे तेरा क्या कभी कभी अलका जी हम बोल नहीं पाएंगे। मेरा दिल था अकेला तेरे ओ मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला जैसे
अलका जी के लिए हम यहाँ गाना सुनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ डांस करने के लिए आए। अलका जी के गानों से शुरू हुई कई मोहब्बत की दास्तान। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिनके रिश्ते की बुनियाद को मिला था अलका जी के गाए हुए गानों का सहारा। अच्छा पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम अंकुना मुखर्जी है। मैम ये पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फैन है, ये पूरी पूरी फैमिली। आपका म्यूजिक इंडस्ट्री में होना इनकी फैमिली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक्चुअली। कैसे इम्पैक्ट, कैसे हैं? 95 को आपको जो गाना राजा को रानी से प्यार हो गया, हाँ, वो उस टाइम हम लोग टीनेजर थे। अच्छा। मेरी वाइफ इसके उम्र में थी। अच्छा। वो जो स्टाइल आमिर खान साहब का गिटार लेके साइकिल में घूमना और गाना, मैं कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में एक प्लेयर था तो मेरा जो मैदान था उसके पास भी उसका मेरा घर था। मैं राजा बन जाता था और रानी थी। हो राहों से राहे, बाहों से बाहे। मुझे लगता है कि अगर अलका जी नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं आती। में हम शादी किया, मेरा एक बेटी हुआ। 2 साल से वो खेलने के टाइम गाना गुनगुनाती थी आपकी गाना। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे घर में बहुत गाना बजती थी, मेरी मम्मी गाती थी तो तब मैं वो सुन सुन के गाती थी। हमारी एक ही उम्मीद है कि अलका जी की तरह वो एक बड़ा सा सिंगर बने। मैं आगे जाके आज की अलका जी बनना चाहती हूँ। आप लोग का इतना प्यार मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। बेटा अब सिंगिंग से पहले तुम्हें चॉकलेट चाहिए या सिंगिंग? सिंगिंग, ये कुछ, ये चॉकलेट का फैन नहीं है, छोड़ दीजिए आप। कमाल कर दिया तुमने बेटा। गाओ गाओ गाओ, शुरू करो। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में।
इतना कब से तुमको शौक लगा म्यूजिक का? तुम हो ही इतने बड़े से लड्डू छोटे से, कब से तुम गा रहे हो? लास्ट थ्री मंथ्स ओनली। वो है ही 6 साल। अच्छा, हारमोनियम भी कितना अच्छा बजा रहा है। मुझे तो आज तक नहीं आया हारमोनियम बजाना। तुम्हारा हारमोनियम है ये? दोगे अपना हारमोनियम? ना। हारमोनियम नहीं दे सकते हो? दे दो ना। एक नया हारमोनियम तुमको ला के दूंगी, मुझे ये वाला दे दो। ना। अच्छा नितिन, जाओ तो उसको हारमोनियम ले लो उसका। ना ना बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी दे दो, हम नया ले लेंगे। हम नया ले लेंगे, दे दो। अच्छा मैं तो ले लूं? प्लीज। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। सर, ये दो चीजें अपनी शेयर नहीं कर सकता, एक हारमोनियम एक इसकी दूध की बोतल, दोनों ही नहीं छूटते इससे। अच्छा, अभी दूध की बोतल पे ये है और हारमोनियम बजा रहा है, इतना ग्रेट गाना सुर में गा रहा है, अभी क्या बोले यार। ओनर पे मोहर। अच्छा, अभी भी हारमोनियम नहीं छोड़ना है उसको। बेटा, वी आर नॉट लायर्स, वी आर नॉट चोर्स बेटा, वी विल नॉट टेक इट बेटा, प्लीज ट्रस्ट अस। तुम मत उठाना। सुरों के पक्के इस दूध पीते बच्चे ने दिखाया गजब का किरदार, और ऐसे ही कई कलाकारों को दुनिया के सामने लाने के लिए हमारे कैप्टन्स ने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा। इंडिया के उन कोनों में इस तरह का टैलेंट बसता है, ये मुझे पता नहीं था। ऐसे ऐसे टैलेंट को मुझे तलाशना है कि जो दुनिया देखती रह जाए। मुझे कम से कम 5 से 6 हजार किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। ट्रेन से गए हैं, प्लेन से गए हैं, बसों से गए हैं, और इवन मैं तो टेम्पो में भी गया हूँ। मैं उंगलियों पे भी गिन नहीं पा रही हूँ इतनी जगहों पर मैं गई हूँ। छोटे छोटे घरों में से मुझे इतने बड़े बड़े सिंगर मिले। मैं कोलकाता से आई हूँ, ग्वालियर शहर से आई हूँ, ओडिशा कटक में रहती हूँ, राजस्थान से आई हूँ, पंजाब से हूँ, यूपी से आया हूँ, बिहार से आई हूँ, मैं इंदौर से आई हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, कानपुर से हूँ, अरुणाचल प्रदेश से आया है। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ी कि जहाँ पे टैलेंट हो और मैं नहीं पहुँचा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर गया था। अच्छा, तो ये मुझे महाराष्ट्र की एक पवित्र भूमि वहाँ पर मुझे मिला, और जो इनके पापा है वो एक कीर्तनकार है। ओह, बहुत ही कमाल का गाते हैं, बहुत ही प्यारा गाते हैं। वाह वाह। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चैतन्य है, प्यार से मुझे माउली बुलाते हैं, और आलंदी है गांव, पवित्र भूमि है। आलंदी में हमारे माउली जी की जीवंत समाधि है उधर। वाह वाह वाह।
दुख घन दाट हो वाह जगण्याच्या वाडीत मिळे ना वाट हो साचले मुहाजे दुख घन दाट हो आपुली मानस आपुलीच नाती तरी कळपाची मेंढरा सभीती विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ हाती विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ हाती विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ हाती गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश देव ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे मौली तुम महाराष्ट्र का तो गर्व हो ही सारे हिंदुस्तान का गर्व हो बहुत 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 खूबसूरत बहुत खूबसूरत मौली जी आपकी गायकी सुनकर एक ही लाइन कहूंगा कि यहां पर आपके विट्ठल जी के दर्शन हो गए हमको और विट्ठल जी के आशीर्वाद हमको भी दे दो थैंक यू वेरी मच हिंदुस्तान से आपके गांव में सब लोग आते हैं आप यहां पर आए
ये सुपरस्टार सिंगर की किस्मत है। तो आज आपके लिए, आपके गांव वालों के लिए, आप सभी लोगों के लिए सुपरस्टार को नमस्ते करो। जय महाराष्ट्र, जय विठ्ठल जी, जय माता दी, जय हिंदुस्तान। मौली, थैंक यू। इस बार हुनर पे मोहर यहाँ तो लगी है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल पे भी लगी है, दिल पे भी लगी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ मैं बहुत कम आया हूँ और ज्यादा घूमा भी नहीं, पर इससे ज्यादा सुंदर जगह मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देखना यह है कि इन सुंदर वादियों में क्या म्यूजिक है। हेलो क्यूटी। हेलो। क्या नाम है? मेरा नाम उर्गेन छोमू है। क्या है? उर्गेन छोमू। बेटा स्पेलिंग, स्पेलिंग यू आर जी ई एन टी एस ओ एम यू, उर्गेन छोमू। माइंड ब्लोइंग नाम है यार। कहाँ से आए हो? ना डिफरेंट नाम। अरुणाचल प्रदेश। कौन लेके आया आपको? सचिन सर। बेसिकली उर्गेन एक ऐसे गांव से हैं जहाँ पे म्यूजिक का एम भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है हमारा, ये ऐसे ही बच्चों के लिए, क्योंकि इस शो में सिर्फ कंपटीशन नहीं है, इनको गुरु भी मिलेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, उसमें एक डिविनिटी है, यानी कि एक नूर, एक ऊपर वाले का कोई ब्लेसिंग है तुम पर। थैंक यू सर। वेरी नाइस, आपकी बेटी बहुत ही डिवाइन है। आप क्या करते हैं सर? मैं सर एक्स आर्मी हूँ सर। ओह वाओ सर, क्या बात है। इधर आके सर, थोड़ा नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ। नर्वस इसलिए होंगे सर, हम लोग
वो छोटी सी पहाड़ी इलाका से इतनी बड़ी मंच में आया हुआ है, तो एक सपना सा लग रहा है सर। हमारे वहाँ सर ये म्यूजिक प्रेमी तो बहुत है, मगर कोई म्यूजिक स्कोप नहीं है। यहाँ आने के बाद हमारा सर ने एकदम फर्स्ट दिन आया, आने के बाद बोला अब कौन सा गाना गाएगा, उसका स्केल क्या है, वो टेम्पो क्या है। वो बच्ची मेरे तरफ देख रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं जमीन में देख रहा हूँ, बच्ची मेरे को देख रहा है। मेरे बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया सर। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया, सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। मेरे बेटी ने फिर यहाँ कालपुर से मुझे ये बोला, कल को मैं यहाँ आउट भी हो जाता हूँ तो मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। क्या बात है, आप अपने आप अपने हुनर पे मोहर मारिए, ठीक है? रेडी, 1 2 3 ये डी सरप लगाओ, चलो लुक छुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, रे क्यों तरी सावे हो मन सकल दिखाओ। अलग ही है ये बॉम्ब। थैंक यू। खानू क्या करोगे, शो जीत जाओगे तो? अरे भाई ये मत शुरू करो फिर से, माफ करो। अच्छा सुनो सुनो, अभी मैं जो बोल रही तुम गाओ। सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा, ये गा। धीरे धीरे बोलो ना प्लीज। सुनो सुनो, मैंने कहा था ये गुंडागर्दी करने आया यहाँ पर। तुम गुंडे हो क्या बेटा? यार मैं गुंडा कहाँ पे हूँ, मैं तो सिंगर हूँ। बेटा तुम मिठाई वाले हो? ना सिंगर हूँ मैं। बेटा बेटा तुम टेलर हो? मैं सिंगर हूँ यार। मैंने एक्चुअली सुना है कि तुम क्रिकेटर हो। मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर हूँ। ओके ओके ओके, हम लोग तीनों उठाओ उठाओ और लगाओ। Come on, 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 come on
बाय 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 बेटा तुम में, बेटा तुम में एक छोटा देवानंद मुझे दिख रहा है। आपकी दुआ है। बाय बेटा बाय। हो गया बेटा। ओके जी आ जाइए नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। कैप्टन्स को थी काफी बेचैनी कि उनके चुने हुए बच्चे क्या जजेस की चुनौती पर खरे उतर पाएंगे। नमस्ते। बच्चों ने न केवल जजेस पर अपने सुरों का असर छोड़ा बल्कि अपने अनोखे अंदाज से मंच पर चार चांद लगा दिए। क्या तीर की तरह आवाज निकली है यार। डिफरेंट आवाज है, बहुत ही आज की आवाज है और बहुत खूबसूरत सिंगिंग करती हो तुम बेटा। प्यारा है गाना यही, गाना बजाना यही, तू तराना बैंग बैंग। मेरा यार है रब अरका, दिलदार है रब अरका। इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, इक्को ही गल है। आउटस्टैंडिंग। सुपरस्टार सिंगर को नमस्ते। जहां कैप्टन्स के लिए नन्हे कंटेस्टेंट्स जजेस को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, वहीं एक कंटेस्टेंट ऐसा था जिसका मकसद जजेस को खुश करना नहीं बल्कि कुछ और ही था। सर अगला जो बच्चा आने वाला है उसका ये दावा है कि उसका यहाँ पे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, कैप्टन के साथ। वो कैप्टन को हराने आया यहाँ पे। मैं गा रहा हूँ पहले। रो मेरा तेरा नाम पुकारे, रो मेरा तेरा नाम पुकारे। क्या बात है। दिन रैन हमारे एक ही हुए, दिन रैन हमारे। वाह क्या बात। हमसे हम ही जब से देखे नैन तिहारे, नैन तिहारे। क्या बात है। सजदा तेरी काली आँखियों से
मैं इससे हार मान गया। जब ये सुर लगा रहा था ना, कोई भी सिंगर कोई भी आर्टिस्ट वो सुर लगाएगा तो सोचेगा यार मेरा सुर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इसको परवाह ही नहीं है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसने अंतरे के बाद में जो वो जो मुझे लगा था कि अभी मेरा नाम हुआ, अभी मैं पॉपुलर हुआ हूँ, मगर मुझे क्या बताता कि मुझे हराने के लिए कोई इतनी जल्दी आ जाएगा। आपके गले लगा ही लिया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।